सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अपाचे गाय। तो दोस्तों, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी हाल ही में होंडा एक्टिवा 6GS स्मार्ट लॉन्च हुई है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसके स्पेसिफिकेशन जानेंगे, उसकी प्राइस जानेंगे। और दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में इस जो स्कूटर है इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है वो भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि आपका भाई जो है काफ़ी मेहनत करता है वीडियो बनाने में, नए नए कॉन्टेंट्स लाता है और आपको इंटरटेन करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। दोस्तों, मैं आपको इंटरटेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे पैसे बनाए रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम होंडा एक्टिवा 6GS स्मार्ट के कुछ स्पेसिफिकेशंस से। दोस्तों, ये स्कूटर जो है 109.51 सीसी के फैन कूल्ड इंजन के साथ आता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि फैन कूल्ड इंजन क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूटर वगैरह के इंजन के साइड में आपको एक फैन दिखता है जो कि इंजन को कूलिंग करने में हेल्प करता है, तो वही है फैन कूल्ड इंजन। 7.84 पीएस की पावर और 8.90 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके आपको दे देता है। दोस्तों, बात की जाए अगर माइलेज की तो ये स्कूटर आपको 50 MPL का माइलेज इजीली प्रोवाइड कर देगा और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 5. आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम इसके कुछ फीचर्स की तरफ। तो इस स्कूटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने मिल जाती है दोस्तों, साथ ही साथ आपको इसमें स्मार्ट की देखने मिलती है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी की देखने नहीं मिलती है दोस्तों, आपको इसमें सब कुछ जो है एक रिमोट से कंट्रोल किया हुआ देखने को मिलता है। अगर स्कूटर आपके जो रिमोट के रेंज में रहेगा तो आपका जो स्कूटर है वो अनलॉक हो जाएगा और साथ ही आप उसका सीट को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही फ्यूल लीड को एक्सेस कर सकते हैं और आप स्कूटर को स्टार्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो फुल्ली ऑटोमेटिक स्कूटर होने वाला है ये, आपको इसमें कोई भी की देखने नहीं मिलेगी। बात की जाए कुछ और फीचर्स की तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स और LED टेल लैम्प्स देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। हालांकि इसमें जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों वो होने वाला है 80,537 रुपीज। तो दोस्तों, ये जो एक्स शोरूम प्राइस है मैं आपको दिल्ली के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आपके सिटी में ये जो है वेरी कर सकता है। तो दोस्तों, अब जो है इसके कुछ डिसएडवांटेज जान लेते हैं। दोस्तों, कोई भी बाइक या स्कूटर या कार लॉन्च करती है तो उसमें अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराई भी होती है, यानी एडवांटेज के साथ साथ कुछ ना कुछ बुराई भी होती है दोस्तों, डिसएडवांटेज भी ज़रूर होते हैं। तो इस स्कूटर में भी मुझे काफ़ी डिसएडवांटेज लगे, दो या तीन डिसएडवांटेज हैं, मैं उनको काउंट करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें सेफ्टी के रिगार्डिंग आपको डिस्क ब्रेक नहीं दिए जाते हैं और साथ में आपको इसमें ना ही ABS दिया जाता है। तो डिस्क ब्रेक नहीं होंगे तो ABS ऑब्वियस है कि नहीं होगा, तो मुझे ये दो डिसएडवांटेज लगे। तीसरा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे भी आपको इसमें डिजिटल क्लस्टर देखने नहीं मिलता है, हालांकि आपको एंटॉर्क और सारे स्कूटर्स में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा डिजिटल क्लस्टर, बट इसमें आपको ये डिजिटल क्लस्टर देखने नहीं मिलता है। तो इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो तीन पॉइंट थे ये मुझे डिसएडवांटेज लगे, काफ़ी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा दोस्तों। तो आपका क्या कहना है आप मुझे कॉमेंट करके इसको ज़रूर बताएं कि आपको इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से लगे या फिर आपको इसका एडवांटेज कौन कौन सा लगा, आपको इसका लुक कैसा लगा और इसमें क्या क्या फीचर्स जो नए ऐड हुए वो आपको अच्छे लगे या नहीं लगे। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, बस इतना ही था आज की वीडियो में, होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। कोई छोरी ना छेड़े, मुँह का ढोल बना दूंगा, बचेंगे थपेड़े, न्यू मैं करता नहीं बखेड़े, पर आज जरूर।